तो हाँ, तो भाई लोग पीछे आप देख रहे हो मेला लगा हुआ है। ये है पुष्कर मेला, जो कि अजमेर जिले में काफी ज्यादा बड़ा मेला भरता है। आप समझ लो पूरे राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है। तो गाइस, आज का जो हमारा चैलेंज है वो काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। हमारे पास है 500 रुपए और यहाँ पर है हम टोटल 5 बंदे, तो सभी को 100-100 रुपए दिए जाएंगे। गरीब, तेरे को पैसे दे रहा हूँ। ये तो अभी वहाँ पहुंचूंगा तब तक खत्म हो जाएंगे, इतने ही मिलेंगे बस। हाँ, मान जा, इसमें 100 रुपए ये मेरे वाले है। अब मैं आपको बताता हूँ चैलेंज के रूल, हम क्या करने वाले हैं। पूरे 24 घंटे इस मेले के अंदर बिताने वाले हैं और केवल हमारे पास 100 रुपए होंगे। जी हाँ दोस्तों, 100 रुपए से हम ज्यादा यूज नहीं कर सकते और पूरे 24 घंटे यहाँ पर ही खाना है, यहाँ पर ही सोना है और सब कुछ यहाँ पर ही करना है। तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि हम 100 रुपए की मदद से ये सारी चीजें कैसे करेंगे। सभी के पास 100-100 रुपए है तो टोटल 500 रुपए हुए, लेकिन चैलेंज है वो काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। पूरा मेला है, काफी ज्यादा बड़ा मेला है, तो मतलब कि सोच के हंसी आ रही है कि इस मेले में 100 रुपए से क्या होगा। लेकिन देखते हैं, चैलेंज स्टार्ट करते हैं, आपको भी मजा आएगा। तो चलो चलते हैं भाई लोगों, और ध्यान रखना जेब में 100 रुपए से ज्यादा कोई भी इन्वेस्ट नहीं करेगा। वैसे तो दोस्तों मैंने इन सभी के ना वॉलेट ले लिए है, यहाँ पर आप देख सकते हो इनके वॉलेट है मेरे पास, तो इनके पास पैसे तो है नहीं, केवल 100-100 रुपए है और 100 रुपए की मदद से हम ये मेला घूमने वाले हैं, वो भी पूरे 24 घंटे। अब देखते हैं हम क्या खाएंगे, क्या पियेंगे और कैसे 24 घंटे बिताएंगे। और अभी बज रही है दोस्तों 10, यानी कि 10 बज के कितने मिनट हो गए भाई बताना, मतलब 10 तो बज गई थी, लेकिन मैं आपको टाइम बता देता हूँ टाइम क्या हो रहा है, 10 बज के 2 मिनट। तो गाइस 10 बज के 2 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए अब चलते हैं मेले के अंदर। यार ये पुष्कर का मेला है, 500 तो दे देता। नहीं 500 नहीं, इतना बजट नहीं है गाइस। हमें ना ऊंट की सवारी का प्राइस पूछ के आते हैं कि कितना है। चलो आ जाओ। कितने रुपए भाई पूछ? अरे यार 100 रुपए तो मैं लेकर आया हूँ मेला देखने के लिए, ऐसे क्या कर रहा है? गाइस इसका पोपट हो गया, इससे 100 रुपए ले रहे हैं ऊंट की सवारी के। 100 रुपए मांग रहे हैं, 100 रुपए तो लेकर आया हूँ, 100 रुपए दिए भैया। चलो अंदर चलते हैं, कोई अपन है ना अपने गरीबों जैसा ढूंढेंगे कोई। इसके अंदर घूमना है यार मेरे को, मन कर रहा है। 100 रुपए है क्या? बजट में ही नहीं अपने, बजट से बाहर है अपने तो सारे ही। सारे बजट के बाहर। 10 रुपए के चने मूंगफली ले लो, खाते रहो। खतरनाक हो गए, मतलब कि सारी चीजें सामने हैं लेकिन हम इन सभी चीजों का यूज नहीं कर सकते है। ये कितने रुपए का है? 10 का एक है। कौन सा वो जो बढ़िया लगता है, ये रंग बिरंगा दो। गाइस नंद किशोर के 10 रुपए जा चुके हैं और हम सब खाने वाले लूट लूट के। तूने क्यों खर्च किया गाइस? ओए जल्दी खा लो, आ जाएगा। गाइस इसके पास अब केवल 90 बचे। मैं तो सबसे एंड में खर्च करूंगा। मैं तो खर्च ही नहीं करूंगा, मैं भी नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे सबके खाऊंगा देखना। करूंगा ही नहीं मैं जेब। अरे अरे इसको तो छोड़ दे अबे। मुझे बता, 24 घंटे बिताना बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो मैं सबके खाने वाला हूँ और मेरे को भूख लगने ही नहीं वाली। तो गाइस हम धीरे धीरे अंदर की तरफ जाते जा रहे हैं, जहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं। ये है, इसको क्या बोलते हैं? इसको डॉलर, डॉलर, ये मगरमच्छ है, उस साइड में मगरमच्छ और वो क्या है, डॉलर, डॉलर, उसको झूला बोलते हैं। डॉलर क्या समझेंगे ऑडियंस, गाइस उसको झूला बोलते हैं। तो गाइस मेले के हम अंदर आ चुके हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो काफी ज्यादा भीड़ भड़ाका स्टार्ट हो चुका है। क्या हुआ गाइस? अब ये भी है ना जुआ लगाने वाला है, पैसे खर्च करेगा। क्या हुआ? मैं तो गेम खेल रहा हूं। इसके क्या रूल है? 20 रुपए में 100 रुपए, 20 रुपए में 100 रुपए, क्या रूल है? से गिरानी है बस। अरे मत कर, 90-80 रुपए जीतूंगा, देखते हैं क्या होता है। ये रही सारी सारी गिलास है, ये मोटा मोटा जीतना है। गाइस मोटे तो 20 रुपए चले गए, पूरे वापस 20 रुपए चले गए गाइस। ये जरूर 100% है ना, मुंह जरूर देखेगा।
मेरे तो 10 गए, इसके 20 गए, इसके 20 गए, मेरे तो 1 रुपया भी नहीं गया अभी तक। गाइस हम तीनों सेफ है अभी तक, हम अच्छी तरीके से सेफ करेंगे, तुम्हारे को एक चीज नहीं खिलाऊंगा मैं। ऐसा मत कर यार। हाँ ऐसा ही करूंगा मैं तो। गाइस मेरी प्लानिंग है कुछ काफी ज्यादा बड़ी, इनको आगे जाने देता हूँ और मुझे खानी है सर्दी में कुल्फी, मजा आता है सर्दी के अंदर कुल्फी खाने में, फिर जाने देता हूँ। बाकी अभी ये कुत्तों की तरह आ जाएंगे मेरे पास। ये कुल्फी कितने की है? 10-20। और छोटी वाली नहीं है, 5 वाली? क्यों लगता है नहीं? सही लगा दो यार हिसाब से। और वो 10 और 20? नहीं नहीं कर लो यार हिसाब से भाई, हो जाएगी 5 में, हो जाएगी, कर दो। तो पास आ गए पीछे से। हाँ अरे ये 100 पीस है, लो बताओ, सही बता दो। मैं तो इसी से काम चला लूंगा। गरीब समझ के दे रहा है तेरे को। हाँ एक ही देनी है, इतने गरीब हो गए, तुम्हारे को चाहिए? भाग यहाँ से। नहीं नहीं देंगे, हम तो 5 खाएंगे इससे एक से। गाइस मेरी कुल्फी खा गए। गाइस कुछ नहीं आदि तो दीस बुक्कड़ ने मेरे साथ भी मेरा कुरकुर खा गए सारे के सारे। मैं तो पैसे लेने में रह गया था। भाई 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 पता नहीं गाइस 100 रुपए में ये वाला मेला कैसे देखेंगे, कुछ भी नहीं पता। और बाकी देख लो अब मेरे पास है 95, बाकी इसने 10 रुपए खर्च कर दिए, इसने कर दिए 20 रुपए खर्च। तो चलिए हम तो करेंगे, मत करना। अब सुन अपन है ना एक दूसरे के पैसे ना नहीं बिगाड़ेंगे, ठीक है ना, उन तीनों को। गाइस अब है ना हम दोनों एक साथ हो चुके हैं, यस, अब हम एक दूसरे पैसे नहीं बिगाड़ेंगे, ठीक है, और उनको भिखारी बनाएंगे। भूख लग रही है यार कुछ खिला दे, चलो पक्का खिला देंगे, सुबह वापस खिला दूंगा। भाई 100 रुपए दिया आपने, गाइस इतनी कोशिश कर ली, भैया ये 10 रुपए में देने वाले हैं, तो चलिए ले लेते हैं 10 रुपए में। अरे मैं संभालू, तू पैसे दे, मैं संभालू, तू पैसे दे, पैसे दे। जैसे जैसे मतलब की शाम होती जा रही है, जो भीड़ है ना वो कम होती जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये है ग्राउंड जहाँ पर मतलब की घोड़ा की रेस होती है, ऊंट की रेस होती है, बहुत सारी रेस होती है, मतलब की पूरा एनिमल ये वाला ग्राउंड है। मजा तो काफी ज्यादा आ रहा है यार घूमने के अंदर, मतलब की बिना पैसों के भी अगर आप घूमो ना दिल से तो मजा आ जाएगा आपको। तो गाइस अगर किसी को लत लगी हुई हो ना तो यार उसका फायदा जरूर होता है, इसको पीनी है चाय। ये बोल रहा है जाए तो जाए मेरे पैसे, भले ही भूखा रहूं लेकिन चाय पीऊंगा। और सबको पिलाने वाला है ना? पिलाना यार, तुम भी क्या याद रखोगे दुआओं में? हम तो याद नहीं रखेंगे, पीने के बाद भी याद नहीं रखेंगे तेरे को। गाइस चाय मस्त है, 5 रुपए वाली चाय है लेकिन एक नंबर है, एक नंबर मजा आ रहा है। चाय का ठेला इसके 25 रुपए जा चुके हैं। गाइस अब ये कैसे मेला देखूंगा रे, चिल्लर बचे इसके पास केवल 65 रुपए। अब इसको छोड़ना पड़ेगा, मुझे दूसरा वाला टीम मेंबर बनाना पड़ेगा, दूसरा हमारे को इसका है। ये हाँ भैया इसके पास सेफ है, अभी तक इसके पास सेफ है। ओ भाई भाई ओए मर जा मोटे आगे जाके। अरे मर जा, तेरे 90 रुपए में ले लूंगा। तो गाइस वहां पर आप देख सकते हो जो सूरज है ना वो डूब चुका है, और अब आप देखिए जो यहाँ पर झूले लगे हुए हैं ना उसकी यहाँ जो लाइटिंग है वो लग रही है एक नंबर, काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं ये सारे के सारे झूले। मन कर रहा है इसके अंदर झूलने का लेकिन क्या करें, जो हमारा बजट है ना वो बहुत कम है, अभी तो हमारे को पूरी नाइट गुजारनी है और इसके अलावा सुबह 10 बजे जो हमारा चैलेंज है वो खत्म होगा। तेरे पास कितने रुपए है? 10, 25, 35 65 रुपए बचे। मेरे पास गाइस 95 रुपीज है, और तेरे पास कितने रुपए है? 80। गाइस ये है अनपढ़ गवार, 80 रुपए है इसके पास, तेरे पास
मेरे पास 90 रुपए और तेरे पास 100 रुपए बचे मेरे पास। अब इसको काटो गाइस, इसको पकड़ो पकड़ो पैसे निकाल, पैसे होंगे भाई कहाँ पर इसके पैसे, निकालो निकालो इसके पास, पैसे निकालो इसके पास, बचाओ डकैती चोरी को गाइस, बचाओ 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 गाइस, इसको दिखाई भी नहीं देगा, ये ये आगे ये ये पूरा खर्च करते हैं कि सारे के सारे गाइस ऊंट के ऊपर सवारी करते हैं, उसके चश्मा हमारे पास है दिखेरा भी नहीं है उसको ओ भाई, अरे चश्मा दे दे, गिर जाएगा, गिर जाएगा, गिर जाएगा, गिर जाएगा, ओ गाइस चश्मा की वजह से दिख ही नहीं रहा है उसको, अंधेरा हो गया, 100 रुपए मैंने 100 रुपए ये कितने की है कचौरी, एक कचौकी 10 रुपए की, 10 रुपए की, अरे वाह इसका बचेंगे 40 रुपए, ठीक है ऐसा पूरी पूरी ऐसे खड्डी वगैरह सारी चीजें खड्डी पर साथ में, चलो ठीक है फिर तो खा लेते हैं इसके गाय चूना लगाते हैं बड़ा बड़े से, चलो कचौरी दे दो, कचौरी दे दो बड़ा बड़े, पांच कचौरी, पांच कचौरी दे दो, बैठो बैठो अंदर बैठो, पांच कचौरी, पांच कचौरी, हां वाह वाह वाह, कोई बात बांट के मान लो, 50 वापस लो, ओए 50 वापस लो, ए लो खुश रहो दे, मजा करो भैया, आपने क्या करा मेरे साथ गाइस, दुख हो रहा है हमारे को, ये तो दे दो अब इस, ये तो दे देते हैं यार गरीब को दे देते हैं, बाकी गाइस 50 रुपए का इसके चूना लग गया, सबसे ज्यादा इसके पास पैसे थे लेकिन अब सबसे ज्यादा कम है, और अभी तो हमारे को भूख नहीं लग रही है, वैसे खाना खाने का टाइम भी नहीं हुआ है, और दिन भर तो हम कुछ ना कुछ तो खा रहे थे, और हमारे सभी के पैसे थोड़े थोड़े तो खर्च हो चुके हैं, थोड़े से पैसे बचे हैं तो जो नाइट का खाना है ना उसके बारे में भी हमारे को सोचना पड़ेगा, लेकिन इसके अलावा जो व्यू है वो आप देखिए नाइट का, वहाँ पर देख लीजिए आगे की तरफ पूरे झूले वगैरह लगे हुए हैं, चलो चलते हैं, और सर्दी भी काफ़ी ज़्यादा है, पता नहीं हम नाइट कहाँ पर गुजारेंगे, कुछ भी नहीं पता अभी तक तो हमारे को भाई, रात कहाँ पर रुकेंगे अपन, अपन रुकेंगे रास्ते पे, अच्छा रास्ते पर रुकेंगे, सड़क पर सो जाएंगे, हाँ। तो गाइस काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी है, तो चलिए मैं आपको टाइम बता देता हूँ, हे श्री व्हाट इज टाइम, यहाँ पर आप देख सकते हो 10:14 हो चुकी है, तो चलिए काफी ज्यादा रात हो चुकी है, मेले के अंदर हम घूम रहे हैं, अब तो सभी को भूख भी लग रही है, भूख भी लग रही है, जेब में 65 रुपए बचे हैं मेरे पास, मेरे पास है 95 रुपीज, 90, तेरे पास कितने, मेरे पास 90, 80, तेरे पास 50, 50 की इसके और चूना लगाने वाले हैं, देखते हैं नाइट में कितना मजा आता है, जो पूरा का पूरा मेला है वो देख लीजिए दोस्त, धीरे धीरे खत्म हो रहा है, और पता नहीं हम यहाँ पर नाइट कैसे रुकेंगे, काफी ज्यादा अमेजिंग चैलेंज है यार ये, अभी हालत खराब हो रही है, अभी हालत खराब हो रही है, गुड़िया के बाल खा ले, ये अपने 5 रुपए में ये खाने आने चाहिए, 5 रुपए ना, 5 रुपए से क्या, ये कितने रुपए का, सॉरी 10 रुपए, नहीं नहीं वाह चलो रहने दो यार, क्यों बोला 5 रुपए, 5 रुपए हो तो दे दो, हमारा ऑडियंस नाराज हो जाएंगे, ऑडियंस नाराज हो जाएंगे हमारा, 5 रुपए का कैमरा लेके घूम रहे, इतना महंगा है, पैसे नहीं बचे, अरे 15 रुपए सुबह 10 बजानी है हमारे को, 10 बजानी हमको, बस मैं तो अभी गुटिया का बाल खा रहा हूँ, ये आपकी तरफ से फ्री है, वन एडमिशन, भाई देखो भाई तुम लोगों ने खाया थोड़ी, इसकी इज्जत लूटी, अब हमारे मेरे 5 रुपए इनको बताओ, 5 रुपए एक बार दे दो, एक बार दे दो मुझे, तो गाइस अभी हमने गुड़िया के बाल खाए जिसमें 5 रुपए इसके खर्च हुए, 5 रुपए मेरे खर्च हुए, तो चलिए अब चलते हैं आगे, 60 रुपए लेकर तो कोई भी मेले में नहीं घूम रहा हुआ, इधर मेरे पास 50 रुपए, मेरे पास 90 रुपए, सबसे ज्यादा गाइस मेरे पास है अभी 90, मेरे पास तेरे पास 90, पहले 5 रुपए ज्यादा थे मेरे, ये दोनों हाई फाई पार्टी है, ये दोनों गाइस हम हैं VIPs, हम बड़े भाई VIP, अपन दोनों साथ चलेंगे इनको घर, चलो भागो यहाँ से भिखारियों, भिखारियों भाई बहुत अमीर है अपन, बहुत ज्यादा, तू ज्यादा अमीर है, 90 रुपए भैया, ये कैप कितने की है, ये वाली, हाँ ये, हाँ ये 100 रुपए की, वो ज्यादा बता रहा अंकल, कोई सस्ती नहीं है,
हाँ अभी नहीं है कुछ भी, तो मतलब कोई ऐसा कुछ गरीबों के लिए नहीं है कुछ सस्ती वस्ती? अभी सुबह सुबह अभी दुकान बढ़ा, मेरे पापा ने बोला 100 रुपए के लिए मेरे अब मेला देख आओ जाओ नुमाइश कर दो यार अंकल बहुत अच्छे लग रहे हो, कोई हो तो सस्ती बता दो, कोई क्या नहीं है भाई मेरे पास सस्ती नहीं नुमाइश। अरे यार यहाँ पे भी सस्ती नहीं है, क्या करें अब, मतलब कि जो नाइट का माहौल है ना वो एक नंबर है, कुछ भी हो हमारे को भूख भी लग रही है, काफी ज्यादा परेशानी हो रही है, हमारी जो मतलब की मांगे वो पूरी भी नहीं हो रही है, तो भी मजा आ रहा है यहाँ पर घूमने में। तो गाइस 12 बज चुकी है हमारी भी और टाइम की, और अभी हम है जो यहाँ का पुष्कर का मेन स्टेडियम में है, वहाँ पर पूरा स्टेडियम आप देख सकते हो पूरा का पूरा खाली है, यहाँ पर दिन में घोड़े की ऊँट वगैरह की रेस होती है, लेकिन अभी आप देख लो पूरा सुनसान, कोई नहीं है यहाँ पर। चलिए कहीं चल के बैठ जाते हैं जहाँ पर ऑडियंस की सीट है वहाँ पर, थोड़ा आराम करते हैं यार, पता नहीं नाइट कैसे गुजारेंगे, नींद भी आ रही है अब तो काफ़ी ज़्यादा। और बाकी देख लो 12:10 टाइम देख लो आप एक बार, यहाँ पर आप देख लो दोस्तों 12:10 हो चुके हैं, टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया। एडवेंचर भैया को नींद आ रही है, मैं तो सो रहा हूँ यहीं पर। अरे अरे मारेगा क्या, अरे मुर्रा चल बढ़ने। तो गाइस अब जो हमारा शैतानी प्लेन है ना वो काफी ज्यादा खतरनाक है, मेरे पास है 90 रुपए, इसके पास भी है 90 रुपए, और वहां पर आप देख सकते हो जो हमारी टीम है ना यानी कि जो कंपटीशन में और भी बंदे हैं वो तीनों के तीनों सो रहे हैं, तो हम उनको बिल्कुल भी नहीं उठाने वाले हैं, और हम जाने वाले हैं जो सबसे ऊंचे वाला झूला है उसको खाने के लिए। तो 90 रुपए है तो 50-50 रुपए लगने वाले हैं वहाँ पर, तो इसके 50 रुपए चले जाएंगे, मेरे 50 रुपए चले जाएंगे, और वो जाएंगे भाड़ में ऐसी तैसी हो उनकी, हम तो जाएंगे झूला खाने। ओ आ जा आ जा लो भैया, दो टिकट दे दो, दो टिकट दे दो। दो टिकट है ये? हाँ दो टिकट आ गए गाइस, चलिए चलते हैं अंदर। चैलेंज है वो काफी ज्यादा मजेदार चल रहा है, तो देखते कितना मजा आता है ऊपर जाने पर। गाइस अब बाकी है अंदर जाने के, तो चलिए चलते हैं अंदर, देखते हैं कैसा रिएक्शन होता है, डर तो लग रहा है मेरे को काफी ज्यादा। गाइस अंदर आ चुका है, गाइस सबसे ऊपर है अभी हम, यहाँ पर आप देख लो पूरा जो पुष्कर है वो दिखाई दे रहा है यहाँ से। चक्कर आने लगे मेरे को, चक्कर देखो गाइस इन्हें वोमिट हो रही है इनको, तो भाई गुड मॉर्निंग गाइस, जो हमारा चैलेंज है उसका है आज दूसरा दिन, रात को है ना किसी को भी ढंग से नींद नहीं आई थी, पूरी हालत ख़राब थी, और लगभग लगभग हमारे सभी के पास है ना जो पैसे है वो अब बहुत ही कम बचे हैं, मेरे पास 40 रुपये, इसके पास 40 रुपये, इसके पास केवल 10 रुपये, तेरे पास 50 रुपये, इसके पास 50, तेरे पास 80 रुपये। गाइस इसके पास अब सबसे ज़्यादा पैसे है, देखो नींद आ गई थी रात को तुम घूमने चले गए थे, और अब हम जा रहे हैं जो यहाँ का घाट है ना वहाँ पर, जो पुष्कर का घाट है वहाँ पर, तो हमने सोचा यार पूरे मेले को अच्छी तरीके से इन्जॉय करते हैं,
और हालत तो हमारी सभी की खराब है, लेकिन क्या करें, चैलेंज को पूरा करना पड़ेगा। आ जाओ चलते अब। तो गाइस मेरे पास अब लास्ट 40 रुपए है, तो मैं डाल रहा हूँ इसके अंदर, क्योंकि मुझे पता है मुझे भूल तो लगने वाली है नहीं, डाल दिए इसके अंदर। बाकी अब मैं आराम से रह सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ना तो मुझे भूख लगने वाली है, 3 घंटे है तो मैं इतना तो कंट्रोल कर ही लूँगा। तो मैंने मेरे पैसे पूरे पूरे दान कर दिए हैं, जो दान पेटी है ना गौ माता की, उसके अंदर। और अब हम मिल जा रहा हूँ बाहर। दोनों यार 10 रुपये बचे मेरे पास अब खर्च करने के। ये वाले जो कैंडी है ना, वो किस किसी ने खाई है कमेंट जरूर करना। देखो इस तरीके के है, किसने खाई है नीचे कमेंट करो। बचपन में मैंने बहुत खाई है, अभी भी खा रहा है पागल। तो गाइस जो हमारा चैलेंज था वो काफ़ी अच्छे तरीके से निकल रहा है, और अब भाई सबको पार्टी दे रहा है, पोया पार्टी। तो मैं तो जा रहा हूं, मैं तो कोई नहीं दे रहा। फिर पैसे लेंगे हम, छीन लेंगे। ओ इसको पकड़ के रखना, मैं झूला खाऊंगा, तुम लोगों ने खाया रहा आपको। हाँ तो क्या हुआ, क्या हुआ, हमारे पैसे हम कुछ भी करें? मेरे पैसे मैं भी कुछ करूं? नहीं, ऐसे कैसे कर लेगा। ओ इसको पकड़ के रख। गाइस इसके पास 80 रुपये, इसके पास 40 रुपये है, तो ये भाई तो वैसे भी आराम से दे देगा, क्योंकि हमने साथ में झूला खाया था, नंदकिशोर भी आ गया। इससे लेंगे 20 रुपये और उसके 80 रुपये, हमारे सारे का जुगाड़ हो जाएगा। ये आ गए हमारे पोहे। ये मीठी चटनी नहीं डाली इसमें। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो हमने चाय भी मंगवा ली है। इसके पैसे गए, मैंने मंगवा ली चाय। गाइस इसके 50 रुपये गए अब खत्म। ये है ना 10 रुपये की चाय है, मोटी है, चाय ले ले। मेरे पैसे चले गए यार, मैं कुछ और चीज खाता। क्या खाता तू, क्या खाता तू? पता नहीं। अच्छा गाइस पहले खत्म हो गया मेरा। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 150 हो गया। तो गाइज हमने पूरा का पूरा मेला घूम लिया है, जो हमारे 24 घंटे वो हो चुके हैं पूरे। यहाँ पर आप देख सकते हो टाइम हो चुका है 10:06, और अब लास्ट के जो हमारे 20 रुपये बच्चे हैं, तो यार हम सोच रहे हो उसको कहाँ पर खर्च करें। तो यहाँ से हम चारा खरीदेंगे और जो यहाँ पर गाय है ना उनको खिला देंगे, तो जो हमारे 20 रुपये वो भी खर्च हो जाएंगे। खिला दे बेचारे को, सबको खिला दे। रोड से दूर। तो गाइस ये था आज का हमारा चैलेंज, जो हमारा चैलेंज है वो ख़त्म हो चुका है। पूरे 24 घंटे हमने मेले में बिताए, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, और हमारे सभी के पास थे 100-100 रुपये, लेकिन हमने फुल मेला एंजॉय किया। लास्ट के अंदर 20 रुपये और बच गए, और यहाँ पर आप देख सकते हो किशोर भाई की शादी होने वाली है। तो यार आप लोग कमेंट कर रहे थे कि वीडियो लेट क्यों हो रही है, तो यार इसी वजह से हो रही है, हम सारे काम में लगे हुए हैं तो वीडियो टाइम पे आ नहीं पा रही है, तो थोड़ा मैनेज कर लेना। बाकी हम वीडियो बनाते रहेंगे, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं अच्छी वीडियो बनाने की। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल बने हो तो कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अब ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इसकी लाइफ होगी खराब अब। गाइस सैड वाला इमोजी भेजो इसके लिए। नो नो।